अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सी यमी सी कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसके इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक इंग्रेडिएंट है पाउडर शुगर, एग, वाइट फ्लोर, कोको पाउडर, ऑयल एंड बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक बाउल में हमने डालनी है शुगर। शुगर मैंने ली थी हाफ कप, और फिर मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया 1/4 कप कोको पाउडर, एंड इसमें मैंने ऑयल शामिल किया जो है 1/8 कप। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इसमें ऐड कर देना है एग, और एग डाल के हमने इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। एग मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर देना है मैदा। मैदा भी मैंने हाफ कप लिया था, जितनी क्वांटिटी मैदे के लिए उतनी शुगर के लिए। इसके बीच में मैंने बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और वनीला एसेंस यूज़ किया है। अब ये सब चीज़ें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक बहुत अच्छा बैटर रेडी हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, ये अच्छे थिक सा एक बैटर तैयार हो जाए। और इसके बाद हमने इसको एटलीस्ट 1 to 2 hours के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें। अगर आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा था, और इसके बाद देखें आप डो इस तरह का तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसकी हमने कुकीज़ बनानी है। सबसे पहले तो हमने इस तरह से बॉल्स बनाने हैं और पाउडर शुगर लेनी है। बॉल बना के हमने अच्छी तरह से पाउडर शुगर में इसको कोट कर लेना है, और उसके बाद बेकिंग ट्रे में रख लेना है। और ये जो मैंने बैटर लिया था, हाफ कप शुगर, हाफ कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/8 कप ऑयल, इससे टोटल 11 बॉल्स रेडी हुई थी। और एट अ टाइम मैंने जो बेकिंग ट्रे है इसमें 9 बॉल्स को रखा था, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं ताकि ये कुकी डो जो है वो जुड़ ना जाए, इसलिए हमने 9 ऐड किया। 180 टेम्परेचर रख के डबल ग्रिल पे मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए पकाया है। और देखें आप कितनी अच्छी सी कुकीज़ बेक हो गई हैं, और थोड़ा सा इनको ठंडा होने दिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको देचके में भी बना सकते हैं। देचके में शायद इसको 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। ओवन में ये झटपट 10 मिनट में तैयार हो गया था। देख लें आप, इतनी सॉफ्ट और इतनी स्पॉन्जी से बनी थी, और बहुत ही अच्छी कुकीज़ रेडी हुई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।